मथुरा थाना शेरगढ़ क्षेत्र के कस्बा शेरगढ़ में दिनांक 15 अगस्त 2019 को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दो हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से हत्या में शामिल आला कत्ल और खून में लिपटे कपड़े भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र स्थित कस्बा शेरगढ़ में 15 अगस्त 2019 को कस्बा शेरगढ़ के रहने वाले हंसराज का शव खून में लथपथ मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले की जांच में जुट गई थी। पुलिस द्वारा गहनता से की गई जांच के दौरान कस्बा शेरगढ़ के ही रहने वाले दो शातिर अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनसे पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक हंसराज और यह दोनों बैठकर शराब पी रहे थे और शराब पीने के दौरान तीनों लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और शराब के नशे में धुत दिनेश ने हंसराज को पीछे से सर में डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद दोनों अभियुक्त वहां से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों से हत्या के में शामिल आला कत्ल और खून से लथपथ कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों पे कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। सर बताएं, ये जनपद मथुरा में थाना शेरगढ़ के अंतर्गत 15-8 को किसान हंसराज की हत्या हुई थी। प्रधान जी के खेत पर सोने गए थे और सुबह इनकी लाश वहां पर पाई गई। लाठी डंडा आदि चोट के निशान थे। मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया गया, मुखबिर लगाए गए, पुलिस टीमें लगी। इसकी घटना का सफल अनावरण हमारे SHO शेरगढ़ द्वारा किया गया है और इनकी टीम के द्वारा। इसमें दो अभियुक्तों को प्रेमचंद और दिनेश, जो कस्बा शेरगढ़ के ही रहने वाले हैं, ये इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हत्या का मूल कारण ये रहा है कि ये आपस में बैठ के दारू पी रहे थे, आपस में कहासुनी हुई। किसी ने दारू लाने के लिए हंसराज से कहा इन्हीं में से, और वो दारू लेने नहीं गया। इसी में एक व्यक्ति ने डंडा मार दिया, इससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस बात को इन्होंने स्वीकारा है। इनके कब्जे से आला कत्ल और खून लगे हुए कपड़े बरामद हुए हैं और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।